दिव्यांगजन और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वैसे मतदाता जो बूथों पर जाकर अपना मतदान करने में खुद को असमर्थ समझते हों, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान कर रही है। वैसे लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर अपना मतदान कर सकते हैं। ये बुजुर्ग और दिव्यांग के इच्छा पर निर्भर है कि वे किस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं। ये जानकारी उपायुक्त अमित कुमार ने दी। उपायुक्त बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर दिव्यांगजनों की ओर से आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुए। उपायुक्त ने बताया, पोस्टल बैलेट की सुविधा पाने के लिए दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाता को 12B फॉर्म भरकर देना होगा। संबंधित क्षेत्र के ARO फॉर्म भी कलेक्ट करेंगे, पोस्टल बैलेट भी ARO को सौंपेंगे। दिव्यांगों ने मतदाता जागरूकता अभियान की कड़ी में इस पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू किए जाने का व्यापक प्रचार प्रसार किया। पर्सन विच डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, तो उनके मताधिकार के लिए और 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष प्रावधान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी जो है वो मतदान कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें जो ARO हैं उनको 12D फॉर्म जो है वो भर करके देना होगा, और ये उनके इच्छा के ऊपर है कि वो पोस्टल बैलेट के ऊपर मतदान करना चाहते हैं या फिर बूथ पर जाकर। तो इससे निश्चित रूप से जो डिफरेंटली एबल पर्सन हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी, और एक ऑप्शन भी मिला है कि घर में ही बैठ करके वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो वो पहल ऑनरेबल कमीशन के द्वारा की गई है, और इसी को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के लिए जो है वो आज इतने सारे जो है वो युवा हैं जो इस रैली में भाग लिए हैं, और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी जो है वो दिव्यांगजनों की जो है वो बहुत महती भागीदारी रही थी वोटर्स पार्टिसिपेशन को लेकर के, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जो है वो देखने को मिलेगा। दिव्यांग प्रमोद यादव ने कहा कि दिव्यांगों में मतदान करने को लेकर जागरूकता आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिव्यांगों ने मतदान करके अपना 100% मत देना सुनिश्चित किया। उन सभी आम लोगों से भी दिव्यांगजन भी अपील कर रही है कि जब दिव्यांग मतदान के प्रति अपनी सजगता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति को भी मतदान के प्रति आगे आना चाहिए। दिव्यांगजन लोग हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब 100% वोट कर सकते हैं तो आम लोग भी वोट करें ताकि वोट का प्रतिशत बढ़े, और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग घर से निकलने में असमर्थ रह रहे हैं, उन लोग हम लोगों ने ये सुझाव रखा है कि बैलेट पेपर द्वारा उनको घर पर जा करके उनको वोट कराया जाएगा, ताकि लगे कि वोट का प्रतिशत बढ़ा है, वो घर पर बैठा हुआ है तो उसे वोट देने में ना बन रहा है, वो सोच रहा है कि हम भी अगर ठीक रहते तो वोट देते, उनके लिए भी वोट का प्रयोग किया गया ताकि बैलेट पेपर द्वारा उनसे वोट कराया जाएगा।